ताई राम राम है। राम राम है। दादी राम राम है। राम राम है। ताऊ ठीक से है? भाई मड़ा खटोला ठाले दे दे आगे। अच्छा काका से राम राम भाई राम राम। के गया ना रे बैठा हो जा। अच्छा रे हां बताओ तो थी भाई मां करड़ा बीमार हो रहा के ज्ञान से ही बे। बैठ जा बे। भाई के ज्ञान से बस बेटे के ठीक ठाक थे भाई। और बटेऊ बेटी बटेऊ को नहीं आया आज छुट्टी पर था छुट्टी को नहीं मिली ना मैं आर दादी मेरी माँ ना देखी कड़ जा रही है ए बेटी खेत में जा जी दुखी हो है राइस भाई को मां तो ये हो रहा कोई खेत में यार पूछ लिया जाना पड़ेगा ताई के जान बेटी रोज के दौर है उनके को ना कोना चल रहा भाई आकाश से ले भाई तू पहुंची बंधवा ले और फिर मन विवाह हो से और मुहूर्त भी लकड़दा जा है घर बालका दौर कोई कोना भाई बैठा हो जा मड़ा साई मच्छी कर ले बेटी क्या की राखी बांधेगी तू है देखिए इसका क्या हाल हो रहा है और क्या की बंधवाओगा बेटा के रखिएगा त्योहार सही बता शास्त्रा में कितने प्रमाण भी कोई दे रहा अरे सही यू तो है ग्रहण भाई का बता इसमें के बांझी मारनी हुई जाड़ा हो गया बता भाई का ही नहीं बांधेगी तो फिर और किसका बांधेंगे बेटी भाई का तो बांधेगी पर शास्त्र तो मना कर रहे हैं अगर या भक्ति या जो पहुंची बांध जो भाई की रक्षा करेगा यू आप बीमार पड़ा उस भगवान की रक्षा राखी बंधवाओ ना जो भाई की भी रक्षा करेगा तेरी भी रक्षा करेगा बेटी न झूठे ड्रामे में कुछ कौन डरा जो हमारे बुजुर्ग थे बेटी वो तो अनपढ़ थे उन्हें ज्ञान कोई नहीं था अरे या तो कोई से गीता में लिख रखे ने वेदा में लिख रखी रक्षा बंधन के त्योहार की और ताई तो लाए जोड़े लिख रखी ताई उसमें ना उसने लक्ष्मी माता ने राजा बलि पे अपने पति की रक्षा खातिर उसका रक्षा सूत्र बांधा था जब तक यह परंपरा चली थी और हमने तो के ज्ञान था ताई भी हमने तो के बेरा सहक ना सह भाई मारे बड़े बुढ़े कर दे हम भी करण लाग रहे हैं बेटी वो तो वो पढ़ते पछले वो उसने तो कर ली इब थारी तो रक्षा को नहीं हरी रोज की नेरी मौत होने लाग रही है यू आखिरी सांस गिनन लाग रहा है बेटी सत भक्ति करो संत रामपाल जी महाराज पर नाम दिवाओ छोरे ने भी और तम भी लो और अपना कल्याण करवा लो यू भाई बारह बार निकाल जाएगा इसी भक्ति दे शास्त्रा में गीता न मिला में जाकर मिलान करके दिखाओ एक एक चीज है वेदा का मिलान करके दिखावे जो भगवान शास्त्रों में लिख रखे वेदा में अकन देना आखर कोडी न का यार बांझ न पुत्र अरे एक सांस भी बाकी ना उसके सौ वर्ष की उम्र देवे छोर की बारह बानने का हो जाएगा ये बाल हो जाएगा जिंदगी में कतीसा हो जाएगा जन बीमार था भी कोई नहीं। अच्छा भाई हाँ बेटी तुम साढ़े सात बजे तो सत्संग आवे अच्छा। मन भी ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और काम भी लियो मेरे दौर दरी है वह ज्ञान गंगा पढ़कर और 22 पेज तक 65 पेज तक उसकी सृष्टि रचना है सारे जितने तुम ये लाए जोड़े बताओ है ना बलि राजा और फलाना और दकड़ा ये तो कई सुनी बात है सारी ईसा कुछ को नहीं है ये सदा तो चल दे आ रहे अपने शास्त्र है बस जो बुजुर्ग थे वो तो अनपढ़ थे पढ़ को नहीं सकते आज ये अक्षर ज्ञान भी भगवान की देन हर ये बड़े फोन भी भगवान की दया है फिर ताई हमने जो मान ले जाए ऐसा कुछ जान भी लग गया तो क्यों कर हमने बेरा लग गया क्यों कर हम इस चीज ने समझ पावेंगे मामला तो कदे देखे नहीं बाप की बात ना हम साची भी क्यों कर माना है साची तो नहीं मानोगे बेटी तब मैं गीता खोल कर देखो और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में मिलान करके देखो या 7:30 बजे उनका सत्संग आवा वो सुनो भाई ने भी सुनाओ तब ना आप बेरा लाग जाएगा तुम पढ़े लिखे हो मिलान करोगे कौन सी भक्ति करनी चाहिए फिर कित डूब रहे थे हम पुराने करते करते आए 7:30 बजे साधना पावा अच्छा तुम देखियो एक बलिए का नाम है संत रामपाल जी महाराज आज लाखों कैंसर के रोग भगवान ने संत रामपाल जी महाराज की दी और भक्ति तो ठीक होने लग रही है और तू तो भाई देखिए ऐसा हो जाएगा पहचान में भी ना होगा वो ही भाई था के 16 साल का बना दे यो भगवान ऐसा भगवान है यो संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान मैं क्यों कर मानू बता तारी बात इसकी हालात देखियो जय नू हो जैसे तो डॉक्टर ना ठीक हो जाए जब डॉक्टर ने ठीक कर पाए इसने तो वह भक्ति रो भगवान की कर लेगा जी तो डॉक्टर पहले डॉक्टर ने भगवान बतावा कि भगवान डॉक्टर है भगवान हुआ है वो नहीं कुछ कर पाए तो वो भगवान की कर लेगा जी मैं तो ना मानू करता यह बात जमाए बेटी प्रीति जी तो डॉक्टर फैल हो भगवान शुरू हो गए है भगवान की भक्ति में आप देखोगे ना किस किस की सुनोगे जो नाम ले रहे हो तो पूछ कर देखियो एक एक सुख दर दर का भूला है ऋषे ऋषे रोग खोवा है जो डॉक्टर कति न्यू का दे ये कति खत्म हर उसने जवाब दे दे हैं
और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे कुछ भी कोनी लगता, रुपया भी कोनी लगता, नाम लेन ध्यान भी तमने इतना पैसा खो लिया इस छोरे पर, फिर घर धरती गहने धर लिया बताने लग रही तो बांध दू या बांधे दू इसका बेटी कुछ नहीं दे रही या राखी बांधन में रक्षा बंधन के त्योहार में लाया जोड़ा त्योहार है। छोड़ो बेटी यारी तो तुम छोड़ोगे पढ़े लिखे जब तो छोटेगी। हाँ ये सोचन की बात है बेटी, तुम छोड़ोगे जब छोटेगी पढ़े बात चौकी मानन की है, मानन की है बेटी। देखियो मिलान करके तुम सत्संग सुन कर देखियो न्यू नी कहो तो कितने देरे मान रहे थे हम। हाँ ठीक है मानेंगे सोचेंगे इस बात ने भी, पर जित दी तक हो ना यह बात क्यों कदे सुनी नहीं कदे देखी नहीं तो मानना क्यों करी इतने तोड़े तो कोई नहीं जसदी बेटी। जब यो काल पसाई है यो जतन की तो देवा था, इतने ड्रामे ला दिए इसने कितने कितने रक्षा बंधन कितने ये श्राद्ध निकालने पंड भरवाने बेटी इतने ड्रामे ला दिए कितना कितना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताओ तुम देखियो योगीता में कति मना कर रखा सारा सब कुछ जितना ही ड्रामा न की ला रखा काल ने। यहाँ अनपढ़ थे वो तो कर दे रहे थे ना, बेरा कोई अक्षर ज्ञान को नहीं था, देख पड़ता है हमने तो देख ज्ञान नहीं था ऐसा बोर कर दे आवे थे हम भी चाल पड़े हमारी माँ हमारी दादी सब ये कर दे आवे थी भाई रक्षा बंधन आ गई अपना पहुंची लेकर अपना भाई का पहुंची बांध आई इन नहीं ज्ञान था तो बताइए हम भी आ गए। ठीक है बहुत बहुत बढ़िया बात लगी आपकी, देखेंगे ले संत रामपाल जी महाराज ने कहो आप उनका भी सत्संग सुन कर देख लेंगे बढ़िया लगा तो ताई ठीक से अरे क्या करेगा बंधुआ का रक्षा करूंगा इस पिब्बे की। अरे रक्षक अस्थि पिंजर तो यहाँ पड़ा है क्या की रक्षा करेगा तू, उठ तो तू सकदा भी कोने। ईश कबीर भगवान की भक्ति जो बताई है संत रामपाल जी महाराज ने, प्रीति की भी रक्षा करेगा तेरी भी रक्षा करेगा। उस तो संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम लो तम और ज्ञान गंगा ले ये रे बेटा एक बाबा मैं लिया थी देख बेटी या ज्ञान गंगा है माथा ला पढ़ कबीर भगवान का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज बताए हैं और तू भी समझ बेटी पढ़े और भाई ने भी पढ़वा फिर नाम दीक्षा लो संत रामपाल जी महाराज से। आज लाखों बाण भाई थारे जिसे है जो यह रक्षाबंधन का नकली त्योहार छोड़कर असली रक्षा कबीर भगवान पर करवावे हैं। बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय हो।